दोस्तों अब सुपर एट मरहला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का शुरू होने वाला है और इसमें सबसे खास मैच जो दो रोज बाद होना है वो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। टीम इंडिया ने ट्रेनिंग की है और एक लंबे ब्रेक के बाद टीम इंडिया ने ट्रेनिंग की है। लाइक फ्लोरिडा में भी टीम इंडिया को बहुत बड़ी ट्रेनिंग मिल नहीं पाई क्योंकि बारिश की वजह से रहा और मैच भी नहीं हो पाया। और पहला रोज जो था बार्बाडोस में टीम इंडिया का वो ऑप्शनल ट्रेनिंग का था, लाइक जिस क्रिकेटर की चाहे मर्जी वो आकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, मगर पूरी की पूरी टीम इंडिया ट्रेनिंग करने आई। और सबसे खास बात विराट कोहली, शिवम दुबे, कुलदीप जाधव, ये तीन बड़े नाम के ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग में। विराट कोहली को आप सब जानते हैं कि तीन मैचेस में अब तक जो उन्होंने खेले हैं उन्होंने 5 रन स्कोर किए हैं जो कि उनके शान शान है नहीं। और अब मुकाबला है अफगानिस्तान का और एक खास बात है दोस्तों ये विराट कोहली वर्सेज अफगानिस्तान में। आपको याद होगा एक प्यास रही विराट कोहली के सेंचुरी की जो उन्होंने एक लंबे टाइम पीरियड शायद 3.5-4 वर्षों के बाद जो बनाई थी दोबारा वो अफगानिस्तान के खिलाफ बनाई थी दुबई के मैदान में। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ अब एक लगातार तीन मैचेस में विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा, मगर जो प्रैक्टिस सेशन में हमने न्यूयॉर्क में भी देखा उनका बैट के ऊपर बॉल अच्छा आ रहा था। ये नहीं कि आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं या ऐसा वैसा दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बार्बाडोस में उन्होंने लगभग रूटीन से ज्यादा ट्रेनिंग की और खासकर उस दिन की जब ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन है। ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में अमूमन टीम इंडिया की हम बात करें तो वो क्रिकेटर्स आते हैं जो रिजर्व के अंदर होते हैं या जो प्लेइंग 11 में नहीं खेल रहे होते, मगर पूरी की पूरी टीम इंडिया आई और सब खिलाड़ियों ने ठीक ठाक पसीना बहाया। उसमें दोस्तों एक चेंज जो विजिबल मुझे लग रही है कि हो सकती है टीम इंडिया के अंदर, एक चेंज जो मैं सोच रहा था कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ भी वो चेंज आएगी मगर वो नहीं आई थी, अब मैं सोच रहा हूँ कि अफगानिस्तान के खिलाफ जरूर आएगी। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा, आप वैसे इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान देखिए तो मुझे लगता है कि शायद उस तरह का मैच नहीं माना जाए, मगर अफगानिस्तान के करंट फॉर्म को देखें तो शानदार और तगड़ा मैच है। आप अगर ये समझें कि इंडिया आराम ना ले जाएगा मुझे लगता है कि मुश्किल पड़ेगा और शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा टफ जो टाइम दे सकता है टीम इंडिया को वो अब अफगानिस्तान है। उसकी रीजन है दोस्तों, रीजन है उनका तगड़ा स्पिन अटैक। उसके मुकाबले में इंडिया की भी एक पॉलिसी जो मुझे बाहर ट्रेनिंग सेशन से फील हो रही है वो आ सकती है, वो ये है कि इंडिया भी 3 स्पिनर्स के साथ आ सकते हैं। अगर 3 स्पिनर्स के साथ नहीं भी आएगा तो 2 स्पिनर्स में से एक चेंज हो सकती है कि टीम इंडिया फॉर एग्जांपल अक्षर पटेल की जगह पर कुलदीप जाधव को लेके आए। बल्कि मुझे एक इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे थे कि ट्रेनिंग नेट में कुलदीप जाधव ने आउट किया जयसवाल को और फिर कोहली ने उनकी बड़ी तारीफ भी की। तो साफ है कि कुलदीप जाधव का टर्न आने वाला है। दो खिलाड़ी खासकर कुलदीप जाधव और शिवम दुबे को तो शायद उसी चक्कर में है कि वेस्ट इंडीज की कंडीशन में थोड़ी बेहतर बल्लेबाजी वो कर सकते हैं। और कुलदीप यादव मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज में खेल सकते हैं। एक उनके पास ऑप्शन है कि वो अक्षर पटेल की जगह पे ले आए, दूसरे ऑप्शन है कि मे बी सिराज की जगह ले आए, शायद अर्शदीप को ना हटाएं क्योंकि अर्शदीप नया बॉल भी अच्छा कर रहे हैं, डेथ ओवर भी अच्छा कर रहे हैं। और सिराज भी, दोनों में अगर वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो शायद सिराज को रखेंगे, बट टी20 की बात करें शायद अर्शदीप पे कॉन्फिडेंस रोहित शर्मा का ज्यादा होगा। बट ये भी एक चेंज हो सकता है कि सिराज की जगह पर कुलदीप यादव आ जाए, ये भी हो सकता है कि अक्षर पटेल की जगह पर कुलदीप यादव आ जाए। बट मुझे बाहर लगा कि कुलदीप यादव का चांस अब वेस्ट इंडीज के अंदर बनेगा। अब वेस्ट इंडीज में टीम इंडिया जो मैचेस खेलेगी उसमें उनका चांस बनेगा। वैसे टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल नहीं है सेमीफाइनल की दौड़, एक ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि तो जिसे बोलते हैं ना सेमी टफ मैच जो आप कह सकते हैं वो अफगानिस्तान के खिलाफ है। उसकी वजह यह दोस्तों कि बांग्लादेश मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इंडिया को टफ टाइम देगा, ऑस्ट्रेलिया ऑफकोर्स देगा, बट एक अफगानिस्तान ऐसा है जो कि दोनों के बीच में खड़ा है। लाइक बांग्लादेश जैसी कमजोर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत नहीं है, बट अफगानिस्तान इटसेल्फ अपनी एक खास पहचान रखता है और खासकर राशिद खान और उनका जो स्पिन अटैक है। और मैं एक और बात बताऊं, अफगानिस्तान को मैं हमेशा समझता हूं कि उनके पास फास्ट बॉलर की कमी रहती है, मगर फजल अक फरूकी शानदार बॉलिंग डाल रहे हैं अब तक और उस वहां पे तो उनको पिच भी ठीक ठाक मदद कर रही है। वेस्ट इंडीज में अब तक जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं शानदार उन्होंने बॉलिंग की है, इसमें तो कोई वो है नहीं कि फजल अक फरूकी एक अच्छी बॉल करें, खासकर जो हम शहीन के अर्ली में देख रहे थे कि उनका बॉल कट के अंदर आता था, फजल अक फरूकी वैसे बॉल अप कर रही है, उनके पास ऑलराउंडर्स हैं। अगर आप पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन और अफगानिस्तान का कॉम्बिनेशन देखें तो आपको अफगानिस्तान टीम में बहुत प्लस चीजें मिलेंगी, खासकर उनका मिडल में बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा है, उनके पास स्पिनर अच्छे हैं, उनके बल्लेबाज भी कदरे बेहतर बैटिंग कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, और सबसे बढ़ के उनके पास ऑलराउंडर भी हैं। तो ये एक है जो पाकिस्तान में शायद नहीं है, बट खैर ये कंपैरिजन नहीं है अफगानिस्तान बिटवीन पाकिस्तान, बट पॉइंट इज कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से टफ टाइम ज्यादा दे सकती है टू इंडिया, और ये तरन वाला नहीं है अफगानिस्तान की इंडिया को लगे कि आसानी से बात बन जाएगी, ऐसा होगा नहीं। मुझे लगता है कि ठीक ठाक इंडिया का पसीना निकलने वाला है, अगरचे बार्बाडोस की पिच जो है वो ग्राउंड थोड़ा बड़ा है, पिच अमूमन कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स को मदद देती है, मगर अब जो बाहर लग रहा है कि स्पिनर्स के लिए भी ठीक ठाक उसमें जान होगी और स्पिनर्स को काफी कुछ वहां पे मिलने वाला है। तो ये डायरेक्शन बताएगी एक्चुअल में टीम इंडिया की। मैं हमेशा कहता हूँ कि टीम इंडिया
एक तगड़ी टीम जरूर है, मगर अभी तक तगड़ी टीम के साथ मैच नहीं पड़ा। पाकिस्तान बाय नेम आप कहें तो तगड़ी टीम है, बट पाकिस्तान बाय परफॉर्मेंस देखें तो होली टीम है थोड़ी सी। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कुछ खास नहीं किया है, तो उस पाकिस्तान के खिलाफ जीत टीम इंडिया को आई डोंट थिंक सो के बड़ा बनाती है। बट अब जो जीत होगी, खासकर अफगानिस्तान के खिलाफ, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप हैरान होंगे मेरी इस बात पे कि मैं अफगानिस्तान को कर रहा हूँ। भाई अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया है, पाकिस्तान माठी टीमों के खिलाफ बुरा खेला है, मैं करंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। और ये जो नाम हम चलते हैं ना कि नाम बड़े और छोटे, नाम बड़े छोटे परफॉर्मेंस के ऊपर होते हैं और बड़े मैचेस के ऊपर होते हैं। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की जो बनी हुई ना एक उड़ान, ऐसे में अगर वो इंडिया को बहा के लेके गया, मेरी वैसे भी एक प्रेडिक्शन है, टूटी सीट प्रेडिक्शन, कि शायद मुझे लगता है कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल का एक अच्छा कैंडिडेट है। मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे लगता है वो अच्छा कैंडिडेट है। तो दोस्तों ये डायरेक्शन बताएगी दोनों टीमों की, अफगानिस्तान की भी और इंडिया की भी, मतलब हमें तो ये अंदाजा हो पाएगा कि दोनों में, मतलब दोनों टीमें कहां पर खड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा दोनों में कौन सी बेहतर है, बट मुझे लगता है दोनों टीमें कहां खड़ी है ये पता चल पाएगा। तो दोस्तों ये एक टफ होने वाला है, दो दिन पड़े हैं अगरचे इस मैच को, दो दिन में दोनों टीमों की खास ट्रेनिंग जरूर रहेगी, मगर बहुत से प्लेयर हैं जिसे बोलते हैं प्लेयर्स टू वॉच, उसमें विराट कोहली है, शिवम दुबे हैं, कुलदीप यादव हैं, ये मुझे तीन नाम ऐसे लग रहे हैं जो खास होने वाले हैं इस मैच में, उनका किरदार खास जरूर होने वाला है। आई डोंट नो कि कुलदीप के साथ टीम इंडिया उतरती या नहीं उतरती, बट माई गेट गुड फीलिंग और माय सेंस सेज के कुलदीप के साथ जरूर उतरेगी टीम इंडिया, और शायद उनके लिए थोड़ा बेहतर भी रहेगा। कुलदीप के बगैर व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम इंडिया थोड़ी अधूरी रहती है, भले बहुत अच्छी बॉलिंग की अक्षर पटेल ने, बल्कि हमारे इमाद वसीम तो ये कहते हैं कि अक्षर पटेल का ओवर बेसिकली टर्निंग पॉइंट हुआ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वो ये कहते हैं जो उनसे खेला नहीं गया था। तो दोस्तों इस मैच को लेकर बहुत सी चीज़ें अभी और मजीद डेवलपमेंट होंगी, मगर फिल वक्त जो एक ट्रेनिंग सेशन हो उससे रिलेटेड मैंने जो चीज़ें थी खास वो मैंने आपको बताई। और एक और चीज़ थी, सूर्य कुमार यादव को बॉल हिट हुआ था और उनको स्प्रे किया था, वो बाद में उन्होंने असिंग भी की, खैर बाद में आके बल्लेबाजी भी की, मतलब कोई सीरियस इंजरी नहीं, बट थोड़ा बहुत उनको हर्ट जरूर हुआ। तो सर ये अपडेट है टीम इंडिया के कैंप से, और मजीद जो जो चीज़ें निकलेंगी हम आपको